हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और अगर आपने पंचवी देखी होगी एमएक्स प्लेयर पे तो आप उसके दीवाने होंगे और उनके दीवाने होंगे तो राहत के दीवाने होंगे। राहत मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू पराग सर गेटिंग मी हियर। सो कैसा है, मतलब एक सीजन सक्सेस होने के बाद दूसरे सीजन में एंट्री, चेहरा जी दमकता हुआ दिख रहा है? दिख रहा होगा चेहरे पे ग्लो है सर ग्लो है मतलब खुश है। So, क्या क्या हो रहा है, क्या इस सीजन में बदलाव देखेंगे हम, किस तरह से होने वाला है, क्योंकि सारे रंग हमने पहले पार्ट में देखे हैं उसमें काफी हद तक। तो सीजन वन में सर मैं बोलूंगा कि हाई स्कूल ड्रामा था जिसमें सब कुछ था, यू नो रोमांस था, फाइटिंग थी, थोड़ा सा इमोशंस थे, थोड़ी सी चीटिंग थी यू कैन से, जो एक चल रहा होता है पूरे हाई स्कूल टीनेज का जो रहता है। इस सीजन में जो सीजन वन से सीजन टू में डिफरेंस है वो एक अब मिस्ट्री आ गई है साथ में। सो इस सीजन में हम मिस्ट्री लेकर आए हैं, तो ये सब तो है ही, आपका रोमांस तो है ही, इमोशंस है, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर लाइक द सेम थिंग व्हिच वाज देयर इन सीजन वन, बट सीजन टू में मिस्ट्री साथ में ऐड होंगी। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू गाइस शुड डेफिनेटली सी पंचबीट ऑन एमएक्स प्लेयर। इट्स ऑन फ्री, इट्स फॉर फ्री, सो आप प्लीज कभी भी जाइए देखिए साउथ है। So, जैसे ट्रेलर में बताया है वो जो मर्डर हुआ है जी, वो मतलब कोई बता, कोई अभी देख नहीं रहा है, मुझे बता दीजिए किसने किया। नहीं सर हमें तो पता ही, कोई नहीं देख रहा, पर एक्चुअली बहुत लोग देखने वाले, बट प्लीज वॉच द शो, आप भी शो देखिए, आपको भी शो देखना चाहिए। मैं मुझे पंचमी फर्स्ट सीजन मुझे बहुत पसंद आया था, आपको दूसरा भी अच्छा लगेगा सर, आई एम टेलिंग यू इफ यू लाइक द फर्स्ट। मतलब एक प्रियांक, मतलब अभी तो आप बहुत छोटे हैं लेकिन मेरे जैसे लोग जो एक लंबा टाइम हो गया जिनको कॉलेज से निकले, कहीं ना कहीं एक आपको नॉस्टैल्जिक तो करता ही है वो पूरा माहौल जो है सेट का। जी सर डेफिनेटली, मतलब वो स्कूल की याद तो दिलाता है, हाई स्कूल की याद तो दिलाता है। जब 11 12th में आप होते हैं ना तो हमें जब लगता था कि वापस गए सेट पे भी गए, देखा कि अच्छा ऐसा है, रोजवुड हाई स्कूल का नाम है इस शो में हमारे, तो जब जब हम एफआरआई भी गए, एफआरआई देहरादून में जब हमने शूट किया था पूरा रोजवुड हाई का सीक्वेंस एंड वी वर देयर फॉर लाइक क्वाइट नंबर ऑफ डेज, तो नॉस्टैल्जिक तो होता था सर, बहुत ज्यादा होता था। और सीजन वन से टू में एक और चीज हो गई कि सीजन वन में रोजवुड हाई को दो सच नहीं है, बट हमारे लिए हमारे कैरेक्टर्स ही सच्चाई होती है कितनी बारी, तो हम उस चीज को एक्चुअली जीते हैं पर्दे पे, जिंदगी में भी जीते हैं कितनी बारी। तो हम जब वापस सीजन टू में गए ना एफआरआई, तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे जो यू नो आपके सामने आ रहे थे, बिकॉज़ एफआरआई हमने सीजन वन में भी शूट किया था, बहुत मेमोरीज अच्छे अच्छे बनाए थे, और सीजन टू में भी हमने फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे मेमोरीज बना दी। आपके झगड़े भी होते हैं, आपके प्यार मोहब्बत भी होते हैं, आपके दोस्तियां भी होती है, और फिर रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, और जब आप उस पूरी जिंदगी से बाहर निकल के कॉलेज लाइफ में या कॉलेज से निकल के बाहर प्रोफेशनल लाइफ में आते, तो आपको लगता है यार ये तो बेवजह हो गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ये होना चाहिए था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो फीलिंग तो एक्चुअली है, ये मैंने भी फील किया है कि हाँ आई बिलीव दैट कॉलेज एंड स्कूल डेज वर द बेस्ट डेज ऑफ द लाइफ। सो मतलब ऐसा लगता है, आज भी लगता है, कभी कभी लगता था यार काश वापस, इफ वी वुड हैव गॉन बैक टू आवर स्कूल डेज or maybe college days would have been so much fun, you feel like reliving those moments again. Matlab I am one of those who few fortunate people ki mere kg se padhe 14 dost aaj bhi mere dost hai, kg se saath padhe, right. that's so nice. Matlab hum jab high school ki baat kar rahe the, dost aapke barkarar hain kai sare abhi bhi us samay ke? Sir mere 10 ka, jaise aapke 14 hai na, mere main 10th hu, हम 9 जने हैं, मैं 10वां हो जाता हूँ, तो हमारा मेरा एक 10 का पूरा ग्रुप है, मैं सबके साथ टच में हूँ आज तक, मिलता भी हूँ। जो मतलब आपका एजुकेशन कहाँ हुआ प्रियंक? सर मेरा दिल्ली में हुआ है एजुकेशन पूरा का पूरा, ईस्ट साइड ऑफ दिल्ली इज वेयर आई रिजाइड विद माय फैमिली, माय फादर एंड लाइक माय मॉम स्टेज विद मी ओवर हियर इन बॉम्बे नाउ, वो मेरे पास आ गई है, डैड इज देयर ओनली राइट नाउ, बट लाइक इट हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। सो यस, सो मतलब हाई स्कूल, मतलब हम कॉलेज की बात करते हैं दिल्ली वाले लोग की, उस समय हम उस तरह के एटीट्यूड में आते हैं, सो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई थ्रिलिंग मोमेंट रहा उस समय का,
मैं ऐसे मर्डर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट नहीं नहीं मर्डर सर थ्रिलिंग तो ऐसा कुछ इतना नहीं रहा, वैसे इतनी भी एडवेंचरस लाइफ नहीं रही है मेरी, स्मूथ रही है, बट हाँ देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स आल्सो, मतलब एक टाइम्स रहे हैं बॉम्बे में आने के बाद भी ऐसे बहुत समय हुआ है जहाँ यू नो देयर हैव बीन टाइम्स वेयर देयर आर सर्टेन अप्स एंड डाउन्स. थ्रिलिंग तो आई बिलीव ऐसा मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है जिंदगी में, थोड़ा मतलब अभी काम में इतना फोकस रहा है ना थ्रू आउट द लाइफ, अभी उस सेक्टर में मैं गया नहीं हूँ, बट हाँ सून यू नो आई माइट बी, थोड़ा मिस्टीरियस तो हूँ मैं, आई लाइक टू हैव फन यू नो इन लाइफ आल्सो. थोड़ा सा मिस्टीरियस रहना भी चाहिए जिंदगी में, नहीं तो मजा नहीं है. खैर नोइंग यू सिंस लॉन्ग, आप यू ऑलवेज अ जिम गाय, तो बॉक्सिंग करने में मुश्किलात आई रिंग में? शुरुआत में आई थी सीजन वन में, बट देन एक बार ही शुरू हो गया था सीजन वन से, यू नो आपको एक चस्का चढ़ जाता है एक बारी, तो आई बिलीव मुझे वो एडिक्शन चढ़ गया बॉक्सिंग का, फाइटिंग का स्किल समझ आने लग जाता है ना, जैसे ही आपको थोड़ा बहुत किसी भी चीज की समय समझ या नॉलेज होने लग जाती है तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप ज्यादा होना शुरू हो जाता है उस चीज की तरफ. तो जब मेरा इंटरेस्ट मतलब मैं थोड़ा सीख गया स्किल वाइज, अब समझने लग गया हाउ दिस यू नो मार्शल आर्ट्स एंड द एंटायर फाइटिंग बिट वर्क्स, सो सिंस देन आई हैव एक्चुअली गॉट एडिक्टेड टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ this entire you know skill art of fighting in martial arts, so maza bahut aata hai, so yes I agree to that. Kya baat hai. So Priyank matlab ye to ek rahat ke agar hum character ki baat kare to season 1 ka rahat thoda sa innocence ek alag level pe tha, abhi isme rahat mein kya badlav dekhte hain aap aur kya aapne badlav kiya? That is one very good point which actually you pointed out, sir. Ke innocence to tha, abhi bhi hai innocence, but abhi thoda na, there's an involvement where he's more of a, how to get, what's that word for Raha? You can say a little more ruthless this time. Wo thoda, because ek fighter hai na, ek involvement hota hai. To ek thoda lagta hai ke saamne se sakht ho gaya hai, upar se, par andar ke narm, andar se bahut narm hote hai. Actually, ulta hota hai. तो आई बिलीव वही मेरे फाइटिंग को जब मैंने और सीरियसली सीखा उस आर्ट को, तो जैसे ही वो आर्ट को मैं सीखने लगा फाइटिंग को, आई गॉट माई सेल्फ, मुझे सीजन वन के बाद मुझे टाइम भी मिला कि मैं थोड़ा अपने आप पे काम कर सकूं और फाइटिंग स्किल्स पे, तो आई थिंक उस चीज ने मुझे ऑलरेडी बहुत सख्त ऊपर से बना दिया काफी हद तक, बिकॉज एक पोस्चर हो जाता है जब आप फाइट इतना कर रहे होते हो नो, इट जस्ट चेंजेस यू अ लॉट, सो व्हेन आई गॉट इनटू इट तो वो एक चेंज ग्रेजुअल चेंज तो आया मुझ में भी सर, सो यस. पंचमी तो अभी आपकी लाइव हो जाएगी जल्दी, अब इसके अलावा और प्रियांक हमको कहाँ कहाँ दिखने वाले, क्या क्या हो रहा है लाइफ में? सर मैं बहुत म्यूजिक वीडियोस भी करता हूँ साथ साथ, मुझे बहुत करनी पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि डांसिंग और एक्टिंग दोनों करने का मौका मिलता है हमें, यू नो म्यूजिक से भी बहुत एक अलग यू नो प्यार है मेरा जो एक अलग सेक्टर में मुझे ले जाता है, सिर्फ एक्टिंग और यू नो एज अ डांसर भी नहीं रखता, डांसर हूँ तो म्यूजिक से बहुत लगाव है, तो म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं और एक्टिंग में और भी नई वेब आने वाली है, बट मैं नाम नहीं ले सकता अभी चीजों उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं करते, सो आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज होल्ड ऑन टू पीपल, वी आर डेफिनेटली कमिंग अप विद यू नो न्यू रिलीजेस फॉर श्योर, दो म्यूजिक वीडियोज के मैंने कुछ शूट भी कर लिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिलीज टू हैपन, बट द वेब वाइज आई नीड टू स्टार्ट इट अगेन, सो लेट्स सी कब शुरू होगा कब नहीं. तो आई एम टेकिंग लिटिल बिट मोर लिबर्टी, अगर आप आपका पसंदीदा कोई गाना गुनगुनाना चाहे. सर मैं बिल्कुल गा तो मैं सकता ही नहीं सर, मुझे मत गवाइए, मैं यार आपके व्यूअर्स भाग जाएंगे, मुझे फिर भी एक्टिंग करा लीजिए, नचा लीजिए, अभी तो मैं क्या क्या ही नाचूंगा इधर, बट कभी लगेगा मौका तो डेफिनेटली वो भी, बट सिंगिंग तो सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके आपके मेरे व्यूअर्स भाग जाएंगे. चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंचबीट दो भी उतना ही सक्सेसफुल और इतना ही हिट हो, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें. थैंक यू सर, आप भी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट.